एक दौर था जब उत्तर प्रदेश की गिनती उन राज्यों में होती थी जिन राज्यों में अपराध सर चढ़कर बोलता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि एनसीआरबी का डेटा आया और यूपी पूरे देश में 23वें नंबर पर है। मेरे साथ यूपी के डीजीपी डीएस चौहान साहब हैं। चौहान साहब, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको कि राज्य की तस्वीर पूरी तरीके से यूपी पुलिस ने बदल के रख दी है। किस तरीके से किया और क्या डेटा है सर एनसीआरबी का, अगर आप बता सकें। सबसे पहले तो देखिए, संकल्प होता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार का ये संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स क्राइम माफिया एंड सिक्योरिटी टू विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसके ऊपर जो है, जब संकल्प हमारा एक स्पष्ट है तो उसके ऊपर फिर कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। और सबसे पहले जो कार्य योजना का अंग है वो है टीम वर्क। हमारे सिपाही से लेके अधिकारी तक जो है एक टीम के रूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जो राज्य सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं उस पर हमारा अचीवमेंट अच्छा हो। इसके साथ साथ बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग हो रहा है, जिसमें जिसकी वजह से हमें प्रोसिक्यूशन में जो है वो बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। और कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जहाँ पर खास करके महिला के प्रति अपराध, एसिड अटैक्स जो महिलाओं पे पहले होते थे, तो एक कार्य योजना बनाकर उस पर कार्रवाई की गई है, तो जिससे हमारे जो है बहुत अच्छी इस पर रिजल्ट आए हैं। सर, खास तौर पे महिलाओं को लेकर के बड़ी चर्चा होती थी यूपी में कि रेप हो गया, महिलाओं को उठा लिया गया, तमाम छेड़खानी की खबरें, महिलाओं पर अपराध जो है उस पर नियंत्रण आया है, ये क्या आप लोगों के एक स्पेशल अभियान था, एंटी रोमियो स्क्वाड कह लीजिए या डर, किस तरीके से नियंत्रण किया? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसके प्रति बहुत संवेदनशील है, और पूरे जो स्टेट की माइट होती है लॉ की, वो उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है जिस पर अगर कोई महिला के प्रति अपराध करता है। इसी का रिजल्ट ये है, आप देखेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड एक वन स्टेप था और उस पर आज भी लगातार कार्रवाई हो रही है वन इस पर, लेकिन जो मेन है आइडेंटिफाई किए गए जगह कि कहाँ पर महिलाओं के साथ में ऐसी छेड़खानी होती है, जैसे मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर अब आप जाके देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, सब जगह जो है वो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो आराम से बेखौफ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, शॉपिंग के लिए निकलती हैं। तो ये जो जनरल सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। और एक जो संदेश देने के लिए सबसे बड़ा काम जो किया जाता है वो है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन जो विमेन को हमारी पुलिस फोर्स में मिला है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है। उनको इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया जाता है, वो उनकी पेट्रोल पार्टी निकलती है, पिंक पेट्रोल्स निकलते हैं, हमारे पिंक स्कूटर्स निकलते हैं, पिंक बूथ्स खड़े किए गए हैं ताकि महिलाएं बच्चियों किसी को कोई शिकायत है तो वहाँ पहुँच जाए। हमारा 1090 है, 112 है, और 112 में भी हम लोगों ने जो है एक लूज एंड्स थे वो टाई अप कर लिए हैं कि मामला तभी बंद होता है जब कंप्लेंट जो हमारी बच्ची होती है जब वो कहती है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, तभी वो मामला क्लोज होता है। सर, यूपी में अपहरण और फिरौती को एक उद्योग माना जाता था और जो एनसीआरबी डेटा है उसमें यूपी सबसे नीचे है, 36वें नंबर पे। इस पे कैसे नियंत्रण किया गया, क्या अपराधियों में डर पैदा किया गया या प्रोसिक्यूशन बहुत तेज़ी से हुआ था? अपहरण जो क्राइम है वो जनरली ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत किया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में माफिया के अगेंस्ट और रंगदारी, ये दोनों एक जैसे क्राइम हैं, तो इस पर हमारा नंबर वन प्रायोरिटी पे रहता है। और जब भी इस तरह की कहीं कोई घटना होती है इधा कदा, तो सिपाही, एसपी, आईजी, एडीजी जोन और डीजी ऑफिस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हम दिन रात बस उसी पे काम करते हैं। और जब तक कि एक एक बदमाश को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं भेज देते तब तक शांत नहीं बैठते। बेसिकली क्या है कि उनके लिए अब ये जो घाटे का सौदा हमने बना दिया है कि अगर आप इस तरह का क्राइम करेंगे तो आप ये भूल जाइए कि आपको कुछ इसमें पैसे प्राप्त होंगे, आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे और आप जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सर, यूपी में एक बदलाव देखा गया, बदलाव ये कि पहले अपराधी गिरफ्तार होता था, जेल भेजते थे, कोर्ट में मामला जाता था, बेल मिल जाती थी, प्रोसीजर चलता रहता था। अभी एक बुलडोज़र की प्रक्रिया शुरू हुई है, बुलडोज़र ने भी बहुत मदद की है पुलिस को। देखिए,
जो बुलडोज़र की प्रक्रिया है ये कानूनी रूप से सारे प्रावधानों का पालन करते हुए की जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट सिक्योरिटी का जो एनवायरनमेंट है वो उपलब्ध कराता है एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को। इसमें एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उस शहर की नगर निगम हो सकती है, उस शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है। और चूंकि हमने अच्छा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट दे दिया तो इन एजेंसीज़ को अब उस प्रोविज़न में काम करने में आसानी हो रही है और हर जगह पूरी ड्यू लीगल प्रोसेस जो है वो फॉलो की जा रही है। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक्शंस को अपहोल्ड किया गया है। जाहिर है, और कुछ बड़े लोगों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई जिन पर कभी नहीं होता था, जिसमें बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का, आतिक अंसारी का और इस तरह के जो गैंगस्टर्स थे उनकी लिस्टिंग की गई, उन पर कार्रवाई हुई। 300-300 करोड़ रुपए की एक एक अपराधी की जो संपत्ति या तो ध्वस्त हुई या जब्त हुई। तो इस तरह की कार्रवाई क्या छोटे अपराधियों के लिए एक बढ़िया संदेश बन गई और पुलिस के लिए ये मददगार हो गई? ये आपका परसेप्शन है, लेकिन पुलिस के लिए अपराधी अपराधी होता है। हम बड़े छोटा ऐसे नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि ये अपराधी है, इसने ये अपराध किया है और इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, न्यायालय में जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा होना चाहिए। सर, पुलिस रिफॉर्म्स में आपने जो है 4 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी। ये कमिश्नरेट सिस्टम ने भी कुछ एक रिफॉर्म का भी काम किया और सिस्टम में भी बदलाव किया? देखिए, जो पुलिस कमिश्नरेट्स हैं ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग के जो कंसेप्ट होता है उसके तहत आता है। पूरी दुनिया में जहाँ जब शहर बड़े हो जाते हैं और काफ़ी आबादी रहने लगती है तो उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट के इश्यूज़ होते हैं वो थोड़े से कम आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी आबादी रह रही है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच के ये क्रांतिकारी ये पुलिसिंग में बदलाव किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये मांग आज़ादी के बाद से थी कि जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ हमें लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए इस तरह की व्यवस्था चाहिए। इस व्यवस्था में लीगल पावर्स पुलिस के डिफरेंट होते हैं, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, प्लस हमें अंदर अपने आप को भी अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि जब आप पुलिस कमिश्नर हैं, सारे आपके पास पावर है तो फिर आपको जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये नहीं किया, उसने नहीं किया। तो इसलिए जो है अब पुलिस संगठित होकर और फोकस होकर जो है इसमें कार्रवाई कर पाती है, जो हमारी अर्बन जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो है। तो इसलिए ये बहुत सक्सेसफुल जो है ये चेंज रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो ये उम्मीद करें कि कुछ और शहरों में बढ़ सकता है? देखिए, वो राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार के पास में एक क्राइटेरिया है कि शहर की कितनी आबादी होनी चाहिए, कितनी समस्याएं होनी चाहिए, पुलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या क्या समस्या आ रही है, उसके बाद में फिर एक सुविचारित जो है इस पर डिलिब्रेशन होता है, तब ये तय किया जाता है। क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना तो बहुत आसान है पर उसको सक्सेसफुल बनाना ये बहुत मेहनत का काम है। सर, एक सवाल थोड़ा सा हटके ये है कि राज्य सरकार पुलिस को किस तरह से बदल रही है, किस तरह का रिफॉर्म राज्य सरकार कर रही है, किस तरह की मदद मिल रही है? राज्य सरकार में जो हमने बदलाव देखा है, मैं इस काडर में 34 साल से आईपीएस अफसर हूँ, जो राज्य सरकार की सोच में हमने बदलाव देखा है, नंबर वन प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल, नंबर टू संसाधनों की अब कमी नहीं आड़े आने दी जाती, और दूसरा जो राज्य सरकार में सोच है जो बहुत बदलाव आया है वो ये है कि टेक्निकली प्रोफिशिएंट फोर्स होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में जो है केवल मैन पावर से काम नहीं चलेगा, मैन पावर के साथ साथ अच्छी तकनीक का इस्तेमाल, ये इसके ऊपर राज्य सरकार जोर दे रही है, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो ये SSF जैसी नई फोर्स का जो गठन है ये उसी रिफॉर्म का एक हिस्सा है कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेंड आपके लोगों की एक फौज होगी जो अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी करेगी? देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो क्राइम के कैरेक्टर में भी तब्दीली आ रही है, क्राइम भी स्पेशलाइज होता जाता है, जैसे साइबर क्राइम है या नार्को क्राइम है ड्रग्स का, वो अब डार्क वेब के थ्रू होने लगा है। तो अगर आपके पास में वो टेक्निकल टूल्स नहीं है जिससे आप डार्क वेब में पेनिट्रेट कर सकें तो आप इस पर काबू नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से साइबर क्राइम है, आप आज एक लेवल पर सोचते हैं टेक्नोलॉजी के, तब तक पता चला जो है जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो उससे आगे बढ़ गए हैं। तो उसी के तहत राज्य सरकार ने ये टूल्स दिए हैं
जगह जगह हमारे जो रेंज स्तर पर है साइबर थाने, साइबर ऑफिसेज जो है खोले जा रहे हैं, और साथ में अपने हमारे अपने लोगों की ट्रेनिंग भी की जा रही है। इसलिए हमें साइबर क्राइम में भी काफ़ी सफलता हासिल हुई है। आप नंबर देखेंगे तो यूपी नंबर 1 में है, और उसकी वजह यह है कि हम कभी भी किसी आदमी को मना नहीं करते कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं। आपको भले ही छोटी हो, आपका 500 रुपया निकाल लिया हो, आप आइए अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो 500 रुपये से स्टार्ट होता है वही 5 करोड़ पे जाता है। अच्छा सर, आपने एंटी भूमाफिया स्क्वाड शुरू किया, एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया, अभी ड्रग्स को लेके, नार्कोटिक्स को लेके एक नया कैंपेन शुरू हो रहा है। 56,000 के आसपास छोटी बड़ी गिरफ्तारियां हिरासत हो चुके, 39,00,000 किलो ड्रग्स अभी तक जब्त हो चुका है, और जबकि अभियान अभी शुरू हो रहा है, तो आगे क्या लक्ष्य है? देखिए, पहले तो राज्य सरकार ने हमें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए पुलिस फोर्स का गठन किया है, जैसे एसटीएफ है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, वैसे ही एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एक गठन किया है फोर्स का। इसका स्प्रेड जो है प्रदेश के सभी कोनों में रहेगा, पश्चिम, मध्य और पूर्वांचल, और साथ में जो है वो बुंदेलखंड का एरिया। तो इनके स्पेशलाइज थानों की एस्टेब्लिशमेंट है, इनके ऑपरेशनल टीम्स की एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। और पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं इतनी होती थी। अब ये स्पेशलाइज फोर्स बन गया है, तो इसको ऑर्गेनाइज तरीके से कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम अपने युवाओं को सेहतमंद, मजबूत और ताकतवर बनाएंगे, तो उसमें ये एक रोड़ा है जो देश के दुश्मन ड्रग्स हमारे इसमें डालते हैं देश में, तो उसके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी जा रही है। क्राइम रोकने के लिए सर फॉरेंसिक्स का बड़ा रोल होता है, साइंस का। फॉरेंसिक्स का एक इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन भी रहा है, कब तक बन जाएगा और उससे कितनी मदद मिलने वाली यूपी पुलिस को? जो मुझे दिखाई देता है, हमारा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो है वो इसमें काफ़ी 40% काम हो गया है, और मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारे जो टारगेट अभी हमने अचीव किया है, वो सभी रेंज स्तर पर हमारे फॉरेंसिक लैब्स की स्थापना हो गई है, और काफ़ी हद तक अभी 4 लैब्स माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए हैं, कन्नौज है इस तरह से, और आगे भी बाकी जो बची हुई हैं उनमें भी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 60% के करीब काम हो गया है, तो इनकी भी स्थापना है मंडल स्तर तक। चलते चलते आखिर में यूपी पुलिस का भविष्य में लक्ष्य क्या होगा? 23वें नंबर पे आप आ चुके हैं, आगे की क्या स्थिति रहने वाली? 36वें पे जाने का प्लान है? नहीं, ये तो पहली ऐसा टारगेट है वेयर अगर आप बॉटम में पहुंचते हैं तो आपको खुशी होती है, अन्यथा हमेशा आप अव्वल रहना चाहते हैं। बट हियर वी वुड लाइक टू रीच द बॉटम ऑफ द क्राइम, मतलब क्राइम में जो बॉटम पे जो काम होना है वो करना है जाके ये। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश पुलिस के हर जवान, हर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अधिकारी, सब लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी हम अंदर की पुलिसिंग भी करते रहते हैं, अगर हमारा कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी तुरंत करते हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो डीजीपी डीएस चौहान साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 23वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और 36वें नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि यहां टॉप का मतलब बॉटम होता है, और बॉटम में पहुंचकर यूपी पुलिस ही संतुष्ट हो पाएगी। तो फिलहाल कोशिशें जारी हैं और स्थिति काफ़ी पहले से बेहतर हुई है, और उम्मीद है कि आगे भी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। Thank you.